दोस्तों हमारा आज कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र पौंडी का साइंस का त्रिमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, मैं आपको पहले 2 अंकी और 3 अंकी 4 अंकी महादोष बता चुका हूँ। आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों आपके रह जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो हम इसकी फास्ट ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, इस वीडियो में तो जो जो चैप्टर आने हैं सभी चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है वस्तुनिष्ठ तैयार करते जाना है। तो सबसे पहले हमारा है दो ध्रुवीता कांत वाला चैप्टर, इसमें आपको तय करना है दो ध्रुवीता के उदय का कारण है उपयुक्त सभी है, मतलब महाशक्तियों का उदय भी हुआ था। ओके, उद्भव भी होता, बड़ी शक्तियों की संगम संख्या थी, हथियारों की दौड़ भी थी। ओके, फिर द्विध्रुवता व्यवस्था का दशक था, तो 1945-1955 वाला समय है। और बाल्टिक गणराज्य कौन है, तो ये आपके सभी क्या है बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के केंद्रीय भूमि का निर्माण किसने किया, तो बोरिस यत्सिन ने किया था। बोल्शेव क्रांति का भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो 1917 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार है सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व निम्नांकित में किसने किया, तो लेनिन ने किया था। और आपका बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन थे। ओके, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिथाइल गोर्बाचेव थे। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पे हर से दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट होगा बस मैं आपको वही सिलेक्ट बताते जाऊंगा। नेड्रेस ने पूंजीवादी दुनिया तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक था, तो बर्लिन की जो दीवार थी वो क्या है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी जो विश्व है उसके विभाजन की दीवार थी। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है लेनिन के उत्तराधिकारी थे जोसेफ स्टालिन थे। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, क्वेश्चन आंसर में समझाया था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी अपने से तैयार करते जाइए, मैं आपको पूरा दिखाते जा रहा हूँ। ओके, मैं वही पढ़ रहा हूँ, बताऊँगा जो आपको थोड़े मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है उन्नीस संघ का विघटन हो गया था, तो बिल्कुल आपका यह असत्य हो जाएगा। ओके, अब कब हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार को गिराना शीत युद्ध का अंत था, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिर इस प्रकार से दोस्तों आपकी सही जोड़ियां दी हैं, इनकी दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आपके वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको आपको मिला लीजिए, सॉल्यूशन साथ दी हुई है। ओके, फास्ट इनको मिलाइए। ओके, बिल्कुल ईजी दी हुई है, पढ़ लीजिए एक बार जरूर अच्छे से। आगे देख लेते हैं, आगे इस प्रकार से आपका दिया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, पहला आपको तय कर लेना है द्विध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना ताशकंद किस देश की राजधानी, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या प्रभाव है, ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर हो गई हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र इस चैप्टर से देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं, 27 देश सदस्य हैं। ओके, यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है, 7 है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है, यूरो है। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, तो पहले आपको आसियान के कौन कौन से सदस्य ये आपको पता होने चाहिए, तो इसमें श्रीलंका भी क्या है आसियान का सदस्य नहीं है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ये आपको तैयार कर सकते हैं किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने अपनाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान की स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई। ओके, आगे देख लेते हैं, तो फर्जी आसियान मैं किस प्रकार से याद करूँ, तो फर्जी आसियान। ओके, FG यानी F यानी 6, G मतलब 7। ओके, और 1967 में हुई थी आपकी आसियान की स्थापना, तो फर्जी आसियान इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है 5 देश डेडरेस के संस्थापक सदस्य, तो आसियान के संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है यूरोपियन यूनियन की संधि डेडरेस को प्रभावी 1 नवंबर 1993 को। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कौन सा, इसमें आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट दोस्तों में आपको तैयार कर लेना है यूरोपियन यूनियन का पूर्व यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय साझा बाजार था, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, तो आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना यूरोपियन यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। अब कितनी बालियां हैं वो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, बाकी इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है सही जोड़ियां, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपकी सही जोड़ियां दी हुई हैं, प्रैक्टिस इसकी फास्ट ही आप कर लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है यूरोपियन यूनियन के प्रधान अंग कौन से हैं, तो आयोग, परिषद, संसद, न्यायालय, ये सब आपके प्रधान अंग हैं। दिया अभी आपका दिया हुआ है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे, तो 12 सितारे दिए हुए हैं। ओके, आप इसका क्या है गूगल पर भी सर्च करके आप क्या है समझ सकते हैं। ओके, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान शैली क्या है, ओके, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आसियान शैली क्या है, अनौपचारिक सहयोगात्मक और टकराव रहित मेल मिलाप करने वाले आसियान देशों की एक नया उदाहरण पेश किया, इसी आसियान देशों की आसियान शैली कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण एशियाई देश नहीं है, तो थाईलैंड अभी आपका दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, निम्नांकित में से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे पहले अर्थव्यवस्था उदारीकरण किया, तो अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका ने किया था। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, सार्क की स्थापना हुई, सार्क या दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म है, ओके। तो स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट आपको तैयार लेना है, सार्क यानी दक्षिण का सदस्य नहीं है तो चीन नहीं है, ओके। साप्टा संबंधित है, दक्षिण से संबंधित है, ऑपरेशन विजय हुआ था से संबंधित है, तो कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है, ओके। आपका कच्छ डिपू विवाद से संबंधित, तो भारत और श्रीलंका से ये विवाद संबंधित है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, चकमा शरणार्थियों की जो समस्या है वो किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, 1971 में हुआ। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, सार का मुख्यालय काठमांडू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा सार का मुख्यालय काठमांडू में है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, 18वां दक्षिण सम्मेलन तो काठमांडू में हुआ। सार के सदस्य संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई, तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1960 में नेपाल लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो आपका यह असत हो जाएगा। सार्क में 5 सदस्य राष्ट्र है, तो आपका असत हो जाएगा, क्योंकि सार्क में 8 है, ओके। आगे देख लेते हैं, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर इस बार से सही जोड़ियाँ दी हुई हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। आगे देख लेते, वीडियो को पुश करके आप इनकी एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, आपका भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई, तो श्रीलंका में भेजी गई थी। सियाचिन समझौता समस्या का संबंध किस देश से है, तो भारत पाकिस्तान से है। लिट्टे का पूरा नाम आपको, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एम, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। सार का पूरा नाम या दक्षिण का पूरा नाम, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ओके। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका क्या है, 7 में दी हुई है, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, नेक्स्ट आपको विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1946 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ हो जाएगा 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग में है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस क्या है, आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, आपका ट्राइंगल ली थी, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, आपका महासभा है। फिर नेक्स्ट हमारा रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोसित निकोलियस एससीन थे, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ऑफ अमेरिका का शासकीय मानवाधिकार संगठन है, ये आपका क्या, असत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर इस बार सही जोड़िए दी है, तो इनकी आपको क्या, प्रैक्टिस कर लेना है। फिर एक शब्द एक वक्त में उत्तर आ जाते हैं, तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यालय भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1955 को हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य, तो मौलिक सदस्य है। अब नेक्स्ट दोस्तों बुक आ जाती है, भारत स्वतंत्र भारत की राजनीति, ओके। इससे देख लेते हैं, पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इससे देख लेते कौन कौन से आपको तैयार करना है। तो इसमें आपको तैयार कर लेना, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी, तो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती थी, ओके। समस्या परक देशी रियासत थी, तो हैदराबाद में समस्या थी। बाकी और सभी ने क्या है, अपना साइन कर दिया था विलय पत्र में, लेकिन हैदराबाद ने नाटक किया था, ओके। तो ये आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, विदर्भ प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, किस प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को अपना क्या है, विदर्भ प्रदेश कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, तो हो जाएगा 1953 में। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसे लॉ पुरुष कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारि थे। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, भारतीय रियासतों की संख्या थी तो 565 थी। डेडरेस दो हिस्सों, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत देशी राजवाड़े में थे, तो ब्रिटिश इंडिया में। सिक्किम राज्य के राज्य डेडरेस सन में बना, तो हो जाएगा 1975 को, अच्छे से याद रख लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो 1953 में। इस प्रकार से दोस्तों फिर आपको सत्ता दी है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर इस प्रकार से दिया हुआ हमारे सही जोड़ी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। नेक्स्ट आपको तय करना है, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो 1948 में हुआ। ओके आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, तो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय आ जाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तय कर लेना है, कांग्रेस का गठन 1985 को हुआ, कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ए ओ ह्यूम है। ओके फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी स्थापना की, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब विभाजन का शिकार हुआ, तो 1964 में। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, भारत में पहले तीन चुनावों में डेडेस का प्रभुत्व रहा, तो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, कौन सा आपको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ अंबेडकर सही लिख लीजिएगा, ओके थोड़ा गलत लिखा है। हिंदी कोड बिल पर नेहरू से मतभेद होने पर 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारी दी हुई सही जोड़ी है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, तो आपके हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हुए थे। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के उपरांत राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, तो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ओके आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर नियोजन विकास की राजनीति। ओके नियोजित विकास की राजनीति वाले चैप्टर से आपको तय करना है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। सामुदायिक विकास की योजना आरंभ हुआ 1952 हुआ, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। ओके तो नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता आपको तैयार करके रखिएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको आ जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें दोस्तों आपको तय कर लेना है, 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश से बना, तो कौन बना था, योजना आयोग बना था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई प्रणाली अपनाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनाई। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को ही थी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास में जोर दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिक कृषि के क्षेत्र में दी गई, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 2015 में हुई थी। ओके इस बार से आपके दिए हैं सही जोड़ियाँ, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आगे इस बार से आपका दिया गया है, इसमें आपको तय करना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, पीसी महालोबिस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ओके आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई, तो 1951 में हुई। नेक्स्ट चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, इसमें दोस्तों आप देख लेते हैं, इसमें आपको तैयार कर लेना है, गुटनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज लिस्का ने किया था। निम्नांकित में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देख लेते हैं, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो बांग्लादेश का क्या उदय हुआ, मतलब बांग्लादेश बना। रेगिस्तान में आपको तैयार कर लेना है, भारत की विदेश नीति के जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डेडेस ने अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है, तो नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। ओके फिर नेक्स्ट है आपका, बार्डुंग सम्मेलन डेडेस में हुआ, तो 1919 में हुआ था। आगे 77 इस प्रकार से दिए हुए हैं, जिसमें आपको तैयार करना है, भारत में मैकमोहन रेखा को अमान्य ठहराता है, तो ये आपका बिल्कुल असत हो जाएगा, मतलब मान्यता है। ओके नेक्स्ट है पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी दी हुई है दोस्तों सही जोड़ी, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमारे दिए हुए हैं, तो इनको देख लेना, आपको ये आपका क्रम से दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपको तय करना है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश के साथ है। भारत वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। ओके तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापन। इसमें आपको तैयार कर लेना है, ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद समझौते जब गए थे तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ओके आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, मैकमाइंड जन की संस्थापक संपादक कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया थे। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नाम दिया था, तो हो जाएगा आपका डी के बरुआ ने। ओके आगे देख लेते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव में डेडेस का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे देख लेते हैं, 1975 में जन विरोध को दबाने हेतु आपातकाल लागू किया गया था। इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके इस प्रकार से फिर हमारा दिया हुआ है आपका सही जोड़ी इंपॉर्टेंट। ओके तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
फिर आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला हमारा इंदिरा गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने, मतलब राजीव गांधी बने, मतलब इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने, तो राजीव गांधी बने। नेक्स्ट हमारा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने दिया। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, आपके जितने भी आपके चैप्टर आने थे सभी चैप्टर की हमने इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस कर ली है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों आपके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।